नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच हिंदू संगठनों के बंद के आह्वान के मद्देनजर क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। शिमला जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है, जिसमें बिना अनुमति के 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने और लाठी, खंजर, डंडे, भाले और तलवार सहित घातक हथियार लेकर चलने पर रोक लगाने का प्रावधान है। हम आपको बता दें कि कुछ हिंदू संगठनों ने मस्जिद में अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने और राज्य में आने वाले बाहरी लोगों के पंजीकरण की मांग को लेकर बंद का आह्वान किया है। पिछले सप्ताह हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों ने चौड़ा मैदान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था और संजौली क्षेत्र में स्थित अवैध मस्जिद को गिराने की मांग की थी। इस संदर्भ में शिमला के जिलाधिकारी अनुपम कश्यप ने बताया कि संजौली क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की मौजूदा स्थिति तथा सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका के कारण निषेधाज्ञा लागू की गई है। आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक रैली, बिना अनुमति के जुलूस और भूख हड़ताल, धरना, सार्वजनिक स्थानों पर नारेबाजी, सड़कों, राजमार्गों, फुटपाथ और यातायात की सामान्य आवाजाही में बाधा उत्पन्न करना तथा किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा सार्वजनिक स्थान, सड़क और पूजा प्रार्थना स्थलों पर ज्वलनशील वस्तुओं को ले जाना भी प्रतिबंधित है। यह आदेश बुधवार सुबह 7 बजे से रात 11:59 तक पूरे संजौली क्षेत्र में प्रभावी रहेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार है, लेकिन किसी भी समुदाय के किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी समुदायों का सम्मान किया जाता है। सुक्खू ने कहा कि जहां तक मस्जिद का सवाल है, कुछ मंजिलों के अनधिकृत या अवैध निर्माण का मामला नगर निगम की अदालत में है और कानून अपना काम करेगा तथा इस मुद्दे पर शीघ्र निर्णय के लिए जाने का अनुरोध किया जाएगा। इस बीच पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर ढली टनल ईस्ट पोर्टल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने कहा, यहां पर नॉर्मल लाइफ चल रही है, सभी लोग ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एहतियातन के तौर पर हमने यहाँ पर पुलिस का पर्याप्त बंदोबस्त किया है। देखें, आप जो प्रोटेस्ट है वो अभी हमने जो हमारे प्रोसीजर्स है वो 163 BNSS में उसको इन्वोक किया है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं लाइफ इज़ वेरी नॉर्मल, लोग अपने दफ्तरों में, स्कूलों में, कार्यालयों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एहतियातन तौर पे जो है वो पुलिस का पर्याप्त बंदोबस्त किया गया है। और हमने जो है पिछले शाम भी ये बताया था कि प्रोटेस्ट के लिए तो अभी कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि जितना भी इस संदर्भ में प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए था वो अपॉर्चुनिटी सबको मिली है। और अभी हम ड्रोन से भी सर्विलेंस कर रहे हैं, अगर कोई लॉ को ब्रीच करता है तो वी विल कलेक्ट एडिक्वेट एविडेंस अगेंस्ट सच पीपल, ऐसे लोगों के खिलाफ पर्याप्त एविडेंस हम कलेक्ट करेंगे। और साथ साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा जो स्वभाव है, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोगों का हमारा स्वभाव है और हिमाचल में रहने वाले लोगों का स्वभाव है, वी आर पीसफुल पीपल, पीस लविंग पीपल, और किसी भी सोसाइटी का जो फैब्रिक होता है वो पीस पे ही रेस्ट करता है। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के जो परिस्थिति है वो ये है कि अगर कुछ लोग इकट्ठा भी होते तो इट विल बी अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। और जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी हमारी बात पहले हुई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो पीसफुल ही रहेगा। आई थिंक कि जो हमारे एहतियातन स्टेप्स है वो तो पर्याप्त हमने लेके रखे हुए हैं। और साथ साथ में अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी को देखना चाहता है और उस पर अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है तो उन लोगों को भी हम कॉशन करते हैं कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और पीस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। जो पीस है वही अल्टीमेट सॉल्यूशन है, अगर कोई डेमोन्स्ट्रेशन है तो वो भी पीसफुल होना चाहिए। यही मैं इस समय कहना चाहता हूं। और हमारे पुलिस के बंदोबस्त जो है वो बिल्कुल एडिक्वेट है, वी विल नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ और प्रोसीजर। देखिए, ये तो एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट और मूव रहता है हमारा, इसके बारे में तो ज्यादा डिटेल्स की कोई आवश्यकता नहीं है, बट जो मैसेज यही है कि सभी लोग जो है वो जो हमारा हिस्ट्री भी है और जो हमारा जो जैसा हमारा व्यवहार भी रहता है, वी आर अ पीसफुल पीपल और आई डोंट थिंक कि कोई लॉ को ब्रीच करेगा, अपने लिए लीगल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा। सभी लोग जो है वो लॉ अबाइडिंग है और आप देख भी रहे, लाइफ इज मूविंग वेरी मच नॉर्मल, तो इससे क्लियर इंडिकेशंस हैं कि द डे विल बी पीसफुल। लोगों के लिए क्या मैसेज है? लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है कि सभी लोग जो है वो, जितने भी लोगों से हमारे बात हुई है वो सभी लोग जो है वो हम शांति प्रिय लोग हैं, हिमाचल के लोग, शिमला के लोग जो है हम शांति प्रिय लोग हैं।
और हमें सभी वॉल बॉक्स ऑफ लाइट्स जितने भी हैं उन सभी ने हमको यही अश्योर किया है कि देयर इज नथिंग टू वरी, सब जो है पीसफुल रहने वाले। इस बीच एक स्थानीय संगठन देवभूमि ने मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार से कहा है कि वह अवैध निर्माण को गिरवाए। ये जो प्रोटेस्ट है इस वक्त धनी सब्जी मंडी के पास है, ये हमने एक शांतिपूर्ण आंदोलन का ज्ञापन सरकार को दिया था, प्रशासन को दिया था कि हमें सिंधौली में शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अवसर दिया जाए, लेकिन सरकार ने धारा 163 लगाकर हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है और यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर पीछे ठियोग, फाजू, कुफरी और उस तरफ घनाटी, उस तरफ हमारे कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है और सिंचौली में प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हमारा जो ये आंदोलन है ये यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर जो बाहर से लोग आ रहे हैं, बस रहे हैं, उनके खिलाफ और सिंचौली में जो एक मस्जिद का निर्माण किया जो पूरी तरह से अनऑथराइज है, उसको तोड़ने की मांग को लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था। उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे थे, सरकार इन मुद्दों को दबाना चाहती है और हमारे आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है। हमने पहले भी सरकार को कहा था कि हम किसी प्रकार का गैर कानूनी काम या कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, शांतिप्रिय ढंग से हम आंदोलन करेंगे, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं मानी और धारा 163 लगा ली है। अब जनता तय करेगी कि वो क्या करने वाली है। ये प्रोटेस्ट पूरे हिंदू के लिए है, पूरे हमारे हिंदू समाज के लिए है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए है। अगर आज हमने आवाज नहीं दी तो आने वाला जो हमारा पीढ़ी है वो असुरक्षित है, तो आज हमने आवाज दे रहे हैं, हम एक है। अभी देखते हैं पुलिस प्रशासन क्या करती है, लेकिन हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं इसी चीज को लेकर कि आगे क्या हम करेंगे, तो अभी देखते हैं, अभी सब लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।